आइए इस मंच पर जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के बड़े प्रिय बड़े भैया सौरभ श्रीवास्तव जो अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं जरा निवेदन करना चाहता हूं कि अब थोड़ा सा ठीक से बैठ जाइए। सौरभ भैया को आप लोगों ने नेतृत्व करते देखा होगा, कविता करते भी देखा होगा, लेकिन आज के इस मंच के लिए चूँकि विशेष मंच है, कोठारी बंधुओं के बलिदान पर एक विशेष कविता लेकर के वो उपस्थित हुए हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये कवि सम्मेलन जैसा भी हुआ, मैं अपनी दृष्टि से, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सारे लोग देख भी रहे हैं, मैं अपनी दृष्टि से देश के बहुत सारे कवि सम्मेलनों में जाता रहता हूँ, लेकिन जितना धर्मनिष्ठ कवि सम्मेलन, जितनी धर्मनिष्ठ कविता भारत के अगर दो चार मंचों पर होती होगी तो उनमें से एक कोठारी बंधु पार्क का ये मंच है जहाँ पर इतनी धर्मनिष्ठ कविता सुनी जाती है और वैसे ही सुनाई भी जाती है। और ये जो आपकी विधानसभा का वातावरण है, देवेंद्र ने भी बताया, सारे लोगों ने बताया है, तो अब यहाँ पर बहुत सारे तरीके के लोग हैं, तो यहाँ पर एक सौरभ की आवश्यकता है आपको, तो मैं चाहता हूँ एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। और निश्चित रूप से हम वारी पुत्र ये कामना करेंगे कि आप सबके सहयोग से, यहाँ की जनता के प्रेम से, वे विधानसभा के अंदर अपने पिताजी की संस्कृति का, विरासत जी का, इन सब का प्रतिनिधि लेकर के वे जाएं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक के रूप में वे पहुंचे, ये मेरी कामना है, शुभकामना है, इन कवियों के मंच की तरफ से कामना है। और आप सबसे निवेदन है एक बार जोरदार तालियां उनके नेता और कवि दोनों रूप के लिए बजाइए। मैं चाहता हूं कि बड़े भैया इस मंच पर आए और आप सबका आशीर्वाद भी लें और अपनी बात कहें। कोठारी बंधुओं के बलिदान दिवस पर यह कवि सम्मेलन आज निश्चित रूप से सफल हुआ है, बहुत बहुत आभार। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर मयंक वाजपेयी जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय शंकरलाल लोधी जी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बुके देकर, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मयंक वाजपेयी जी, आप सभी लोग तालियां बजाकर करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, उस त्यौहार के बावजूद आप सभी इस कार्यक्रम में मेरे छोटे से अनुरोध पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक विशेष रचना इस मंच से पढ़ना चाहता हूं, उसका आग्रह भी हुआ है, लेकिन उस कविता तक पहुंचने से पहले कुछ और बातें बहुत शीघ्रता से आपके सामने रखूंगा। जो मुझसे पहले कवियों ने काव्य पाठ किया उन्होंने बातें आपके सामने रखी अपने अपने तरीके से। दिवाली का पर्व हम प्रतिवर्ष मनाते रहे हैं, किंतु इस वर्ष इस पर्व को मनाने का उल्लास कुछ अलग है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, स्वागत कि सदियों बाद समय है आया मंदिर भव्य बनाने का। क्या बात है, सदियों बाद समय है आया मंदिर भव्य बनाने का, अगणित बलिदानों का प्रतिफल हाथ बढ़ाकर पाने का। और यूं तो पर्व दिवाली का हमने प्रतिवर्ष मनाया है, किंतु सही अवसर है आया अब ये पर्व मनाने का। क्या बात है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है और जैसा कि हमारे मंच से भी इंगित किया गया कि अब हमारी अभिलाषा है कि काशी और मथुरा में भी शीघ्र ही मंदिरों का निर्माण हो। सही बात। और उसके लिए खुदाई की आवश्यकता है, कुछ नुकीले पत्थरों को भी हटाने की आवश्यकता है। स्वागत, सही बात है। नुकीले ज्यादा है कि अंधेरा चीर कर अंदर उजाला जाएगा। क्या बात है, अंधेरा चीर कर अंदर उजाला जाएगा, पुराने सब सबूतों को खंगाला जाएगा, पुराने सब सबूतों को खंगाला जाएगा। और जमीनें दफन है किससे, जिहादी जुल्म के, खुदेगी जब जमीन उनको निकाला जाएगा। वाह, जय हो। ये सब संभव कैसे हो रहा है? दिल्ली दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं
और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कि तन पर भगवा धर्म परायण सन्यासी निष्काम है। आदरणीय शंकरलाल लोधी जी को समर्पित करता हूं ये पंक्तियां कि तन पर भगवा धर्म परायण सन्यासी निष्काम है, जिसके साये में मुस्काती आज अवध की शाम है। भारत माँ का लाल बना जो गद्दारों का काल, अब गोरखनाथ मठाधीश्वर वो योगी उसका नाम है। जय हो। ये संभव तब हुआ जब कहीं ना कहीं एक विचारधारा सामने आई, कुछ कोई भगवा पहनकर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठा। और कोई भगवा पहनकर सिंहासन पर बैठा। इस देश में एक विचारधारा है गजवा हिंद की, जो कहती है कि हम पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम के झंडे के नीचे लाएंगे। हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की है, और जब बात राष्ट्रवाद की आती है तो जातिवाद संप्रदायवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, किंतु अगर कोई ये विचारधारा लेकर हमारे सामने आएगा कि उसे पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का गजवाए हिंद से टकराव आवश्यक है और होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हालत है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कि आधे गुंडे जेलों में हैं, आधे यम के द्वार गए। क्या बात। आधे गुंडे जेलों में हैं, आधे यम के द्वार गए। कुछ ने गोली खाई तो कुछ कंधों पर लद चार गए। और जब से यूपी में आया है योगी का शासन, तब से भगवा के आगे देखो सब गजवा वाले हाय हाय। जय हो। बोलिए जय जय श्री राम। अभी एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें दुर्भाग्य से भारत पराजित हुआ। इस देश में पटाखे फोड़े गए, इस देश की हार पर पटाखे फोड़े गए। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं उनको एक छंद के माध्यम से कि वंदन न भारती का उनको सुहाता कभी, नारे देशद्रोह वाले सारे उन्हें याद हैं। क्या बात। ये वही लोग हैं जिनको भारत माता की जय बोलने से परहेज है। सही बात। क्यों है? जब आप इस देश में रहते हैं, आपके पुरखों ने स्वयं चुनाव किया इस बात का कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे बंटवारे के समय, तो जब इस धरती पर आप रह रहे हैं तो इस धरती से आपको प्रेम होना चाहिए। और अगर इस धरती से प्रेम नहीं है तो बेहतर है कि आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि कम से कम वहां तो वफादार कहलाएंगे। अगर भारत की धरती पर रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो यहां तो गद्दार ही कहलाएंगे। सही बात। मैंने पंक्तियों में कहा था कि वतन वतन न जिसको अपना लगता ले सामान चला जाए। क्या? वतन न जिसको अपना लगता ले सामान चला जाए, और बन न सके जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान चला जाए। जय हो। बहुत बढ़िया। कि वंदन न भारती का उनको सुहाता कभी, नारे देश द्रोह वाले सारे उन्हें याद हैं। कि वंदन न भारती का उनको सुहाता कभी, नारे देश द्रोह वाले सारे उन्हें याद हैं। दिन भर मंडराते गलियों में घूम घूम, मिलता है न कतोवे करते फसाद हैं। कि वंदन न भारती का उनको सुहाता कभी, नारे देश द्रोह वाले सारे उन्हें याद हैं। दिन भर मंडराते गलियों में घूम घूम, मिलता है मौका तो वो करते फसाद हैं। कि भाई न बने न कभी भाई जान बन सके, घाव जो सरे हुए हैं उनका मवाद हैं। और जीतने पे घर के जो फोड़ते पटाके, आज शायद पड़ोसियों की ही वो औलाद है। सही बात। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। अब उस रचना पर आता हूं। समय बहुत हो गया है, आप सभी को विलंब हो रहा होगा, अपने अपने घर परिवार के साथ आप समय व्यतीत करना चाह रहे होंगे। मैं एक रचना के साथ आपके सामने रखता हूं, कुठारी बंधुओं को समर्पित वो रचना है। कि सीधे सीधे किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, मैं पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं। कि आज सुनाता हूं तुमको है जान लुटाने वालों की, आज सुनाता हूँ तुमको है जान लुटाने वालों की, आज सुनाता हूँ तुमको है जान लुटाने वालों की।
ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की, ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की, ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। कि राम शरत था नाम मगर थे राम लखन से वो भाई, राम शरत था नाम मगर थे राम लखन से दो भाई, राम शरत था नाम मगर थे राम लखन से वो भाई। मात सुमित्रा के जीवन में उनसे थी खुशियां छाई, हीरा लाल पिता थे उनके, बहन पूर्णिमा प्यारी थी, 8 दिसंबर को शादी की उसकी तो तैयारी थी। दोनों बचपन से संगी थे ध्वज फहराया करते थे, जल्दी उठकर रोज सुबह वो शाखा जाया करते थे, कलकत्ता की धरती के वो दोनों दुलारे थे, थे मृदुभाषी ओजस्वी वो लगते सबको प्यारे थे। 22 थी तारीख की अदब कूच अयोध्या जाने को, रामलला के सेवक निकले मंदिर भव्य बनाने को, मां ने तिलक लगाया बोली कार्य सफल कर आना तुम, और पिता बोले पुत्रों हम सबका मान बढ़ाना तुम, और पिता बोले पुत्रों हम सबका मान बढ़ाना तुम। माता पिता का बहना का सम्मान बढ़ाने वालों की, मात पिता का बहना का सम्मान बढ़ाने वालों की, ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की, ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक शख्स बैठा था कि यूपी का शासक दंभी था पूरा अमला झोंक दिया। याद करिएगा नेताजी के बयानों को कि कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। यूपी का शासक दंभी था पूरा अमला झोंक दिया, एक परिंदा ना पहुंचेगा कहता सबको रोक दिया। कि यूपी का शासक दंभी था पूरा अमला झोंक दिया, एक परिंदा ना पहुंचेगा कहता सबको रोक दिया। बस रोकी ट्रेनें रोकी की चौराहे नाका बंदी, बस रोकी ट्रेनें रोकी की चौराहे नाका बंदी। नेताजी आमादा थे चलने को चाले सब गंदी, नेताजी आमादा थे चलने को चाले सब गंदी। ट्रेन रुकी तो पैदल दोनों मंजिल पाने दौड़ पड़े, ट्रेन रुकी तो पैदल दोनों मंजिल पाने दौड़ पड़े। देखकर चकमा उनको जो बन राहों में दीवार खड़े, कार्य बहुत दुष्कर लेकिन शासक का दंभ मिटाना था। दूर किलोमीटर 200 थी मंजिल जिस तक जाना था, अंधिया रात था गोर गना पर किंचित ना घबराते थे, पैदल राह पकड़कर दोनों आगे बढ़ते जाते थे। टूट रहा था जिस्म थकन से पांवों में बिछा ले थे, रामलला के सेवक पर अपनी धुन में मतवाले थे, रामलला के सेवक पर अपनी धुन में मतवाले थे, रामलला के सेवक पर अपनी धुन में मतवाले थे। रामलला के सेवक पर अपनी धुन में मतवाले थे। कार्य अधूरा जो छूटा पूरा कर आने वालों की, कार्य अधूरा जो छूटा पूरा कर आने वालों की, ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की, ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। 30 अक्टूबर का दिन आया मंजिल पास दिखाई दी। आप लोग जो स्मरण कर सकते हैं उस समय की घटनाओं को, जो साक्षी रहे हों उन घटनाओं को याद करने का प्रयास करिएगा, मैंने उनको छंदबद्ध किया है। 30 अक्टूबर का दिन आया मंजिल पास दिखाई दी, रामलला हम आएंगे गुंजित ये गूंज सुनाई दी। मार्ग सभी अवरुद्ध दिखे हर ओर पुलिस का पहरा था, दर्शन पर थे भक्त अड़े कुर्सी पर शासक बहरा था। किंतु चतुर एक संत बड़ा छुप कर बैठा था झाड़ी में, तोड़ सभी बाधाएं वो अंदर जा पहुंचा जा गाड़ी में, तोड़ सभी बाधाएं वो अंदर जा पहुंचा गाड़ी में। पीछे उसके झुंड बहा तो साथ बड़े नौ भाई, हाथों में थी धर्म ध्वजा जो तेज हवा में लहराई। नेताजी की फौज खड़ी बेबस्ती भक्तों के आगे, कुछ दौड़े नीचे ऊपर तो कुछ आगे पीछे भागे। नेताजी का पूरा कुर्ता चौराहे पर फाड़ दिया, ले जाकर भगवा झंडा ढांचे के, ले जाकर भगवा झंडा ढांचे के ऊपर गाड़ दिया, ले जाकर भगवा झंडा ढांचे के ऊपर गाड़ दिया, के ऊपर गाड़ दिया। नेताजी के मंसूबों को यूं झुठलाने वालों की, नेताजी के मंसूबों को यूं झुठलाने वालों की, ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की, ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। और उसके बाद एक आदेश हुआ कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए
जिन्होंने ढांचे पर भगवा फहराया है। क्रूर दिवस फिर आया वो आई बलिदानों की बेला। अगर आंखों में नमी उतरे तो अपनी तालियों से मुझे सूचित करिएगा कि क्रूर दिवस फिर आया वो आई बलिदानों की बेला। खेल नियत ने रच डाला था जिसको वीरों ने खेला। टूट गया था दंभ मुलायम अप्पू राक्षसी आया था। अपनी खीज मिटाने को सत्ता मद में मदमाया था। मंदिर मंदिर घर गलियों में होती छापे मारी थी। पुलिस नरक्षक थी उस दिन बन बैठी वो हत्यारी थी। ढूंढ रहे थे गलियों में भक्तों पर आंख गड़ाए थे। यूं लगता था सारे निश्चर धरती पर उधराए थे। प्रश्न कोई उत्तर सीधे मार रहे थे वो गोली। केवल रक्त दिखाई देता ना चंदन था ना रोली। केवल रक्त दिखाई देता ना चंदन था ना रोली। लाल हुई हनुमान गढ़ी थी कनक भवन था लाल हुआ। लाल हुई हनुमान गढ़ी थी कनक भवन था लाल हुआ। लाल हुई हनुमान गढ़ी थी कनक भवन था लाल हुआ। चीख उठी थी धरती सारी अंबर था बेहाल हुआ। चीख उठी थी धरती सारी अंबर था बेहाल हुआ। चीख उठी थी धरती सारी अंबर था बेहाल हुआ। धाम अयोध्या की गलियों में रक्त बहाने वालों की। धाम अयोध्या की गलियों में रक्त बहाने वालों की। ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। बहुत बढ़िया। ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। कि दूर दिखाई शरद दिया तो भागे पीछे बौराए। उस क्रूरता का अनुभव करिएगा जब नियत थे राम कोठारी और शरद कोठारी को सटाकर बंदूक मारी गई। कि दूर दिखाई शरद दिया तो भागे पीछे बौराए। दूर दिखाई शरद दिया तो भागे पीछे बौराए। घर में घुसकर बाहर खींचा बीच सड़क पर ले आए। दूर दिखाई शरद दिया तो भागे पीछे बौराए। घर में घुसकर बाहर खींचा बीच सड़क पर ले आए। छोटे पर बंदूक तनी देखी तो राम चला आया। अपना सीना आगे कर वो क्रोधित होकर चिल्लाया। सरकारी वर्दी का कैसे कर्ज उतार रहे हो तुम। क्या इसने अपराध किया जो इसको मार रहे हो तुम। ये छोटा है जाने दो तुम यूं ना अत्याचार करो। अगर चलाने ही है गोली तो तुम मुझ पर वार करो। अगर चलानी ही है गोली तो तुम मुझ पर वार करो। एक सुनी ना मगर उन्होंने सीने पर गोली मारी। शासक का आदेश चाहिए था पूरी हो जिम्मेदारी। शासक का आदेश चाहिए था पूरी हो जिम्मेदारी। छोटे को छलनी कर फिर बंदूक बड़े पर तानी थी। दोनों के शव भूमि पड़े थे उनकी अमर कहानी थी। दोनों के शव भूमि पड़े थे उनकी अमर कहानी थी। दोनों के शव भूमि पड़े थे उनकी अमर कहानी थी। मंदिर भव्य बनाने की खातिर मिट जाने वालों की। मंदिर भव्य बनाने की खातिर मिट जाने वालों की। ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। ये गाथा है ढांचे पर भगवा फहराने वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच पर ये कवि सम्मेलन पिताजी ने प्रारंभ किया था और मेरा ऐसा प्रयास रहेगा जैसा कि मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा था कि मेरा राजनीतिक भविष्य कुछ भी हो लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि पिताजी ने जो भी आयोजन प्रारंभ किए हैं खास तौर से देश और धर्म की रक्षा के लिए जो आयोजन होते आए हैं वो आयोजन निरंतर होते रहेंगे। ये मैं सुनिश्चित करूंगा, सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस मंच से कुछ नई आवाज़ों को आपने सुना, आपने देवेंद्र को सुना, आपने शिखा को सुना, आपने इनको बहुत आशीर्वाद दिया। अज्ञानी सर को आप सुन चुके हैं और विजय सर को भी आप सुन चुके हैं। रमेश रंजन दादा पहली बार इस मंच पर आए हैं, उन्होंने प्रेम के कुछ गीत पढ़े और साथ में हमें हमारे जैसे कवियों को भी कुछ निर्देश दिया। मैं उनके सभी निर्देशों को बिल्कुल पालन करने का प्रयास करूंगा और इसी के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।